बात कर रही हूँ सबनम खातून की, जिनकी हत्या उनके परिवार वालों द्वारा कर दी गई। सबनम मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। उसको है ना, मैं 4 लाख रुपया नहीं दे पाई, मुझसे मांग रहा था, मैं नहीं दे पाई दहेज। अब तक नहीं सुलझी सबनम हत्याकांड की गुत्थी, प्रशासन कर रहे नजरअंदाज, अपराधी अभी भी हैं फरार, प्रशासन नहीं कर रहे उन्हें गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार, मैं हूं खुशबू रॉय। यहां मैं बात कर रही हूं सबनम खातून की, जिनकी हत्या उनके परिवार वालों द्वारा कर दी गई थी। परिवार वालों यानी पति समेत 4 अन्य लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। मामले दर्ज हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अपराधी फरार है। जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 4 लोग सबनम खातून के पति शौकत अली खान समेत 3 अन्य लोग अभी भी फरार हैं। सबनम खातून के मायके वालों ने ये आरोप लगाया है कि प्रशासन को उसके ससुराल वालों ने पैसे दे रखा है, जिसके कारण प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब वो प्रशासन के पास गई तो प्रशासन ने उन्हें नहीं की उनकी मदद। उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे लड़की को इंसाफ दिलवा दीजिए। जब तक हम पहुंचे तब तक वो डॉक्टर से मिलके गलत रिपोर्ट भी बना दिया, और पुलिस भी मेरा रिपोर्ट लिखा है, मतलब कि केस कर रखी हूँ, लेकिन डॉक्टर गलत रिपोर्ट बना दिया है। और मैं जब तक पहुँची मेरी बेटी का पोस्टमार्टम भी कर दिया और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। 6 महीने हो गए, पुलिस वाले भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चिया का। और मैं पुलिस को लेके जब तक वहाँ पहुँचे तब तक लड़का शौकत अपने पूरे परिवार को लेके भाग गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। मैं हाथ जोड़ के फिर से विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ने में मदद कर दीजिए, कातिल सबको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, किसके आगे जाऊँ, आप ही लोग के आगे जाऊँगी ना, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। 6 महीना हो गया, अभी तक कोई कातिल पकड़ा नहीं गया। बस इतना सा आप लोग को कहती हूँ कि बस मेरी बेटी के कातिल को पकड़ के आप लोग कहीं भी मिले ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा, और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइएगा। मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे को कितना कुछ मालूम भी नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे ऐसा बच्चे को इंसाफ मिला है, वैसे मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। ससुराल वाले की जुलुम की शिकार हुई है, ससुराल वाले सब बहुत जुलुम करके मारा है, 5-6 आदमी मिलके मारा है, सर पे मारा, भेजा में लग गया, मेरी बच्ची का दम टूट गया, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। बस आप लोग के आगे इसलिए खबर पहुंचा रही हूँ कि आप लोग मेरी मदद करिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिला दीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि 6 महीना हो गया, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, प्लीज केस तो कर रखे मधुबनी जिला जयनगर में, लेकिन अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। लड़का का नाम शौकत है, वही का सब बहुत मारता था, मतलब वो लड़का बहुत ज्यादा मेरी बेटी को परेशान करता था, टॉर्चर करता था, कहता था अपने माँ बाप से पैसा मांग, लेकिन मैं गरीब आदमी थी, मैं नहीं दे पाई, लेकिन करके मार दिया सबने। लेकिन वो लोग धमकी तो देता था, साजिश करके सब मिल के मार दिया। और जब तक हम लोग उसके घर पहुंचेंगे, पुलिस को लेके पहुंचे तब तक शौकत लड़का जो मेरी बेटी का पति था, वो सब अपने पूरे परिवार को लेके भाग गया। 3 साल का नाती भी है, इतना भी दर्द नहीं लगा कि 3 साल नाती को बच्चा का भी मुंह नहीं देगा, बच्चा को अतीम बना दिया, बच्चा माँ को मांगता है, माँ को ढूंढता है, मैं कहाँ से लाके दूँ, बच्चा अपने माँ को ढूंढता है, मैं कहाँ से लाके दूँ, बहुत परेशान करता है, अपनी माँ को ढूंढता है, मम्मी करता है, मैं कहाँ से लाके दूँ बच्चे को माँ। बस ये कि ना, अब मैं आप लोग के आगे
हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग क्या आ रहा, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ दिलवा दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। आप सब समाज मिलके, सब भाई मिलके, सब बहनों मिलके, सब बेटी मिलके मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। सब न, मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, उसको है ना मैं 4 लाख रुपया नहीं दे पाई, मुझसे मांग रहा था, मैं नहीं दे पाई। दहेज बोला तुम्हारी माँ तो अपने माँ बाप से 4 लाख रुपया दे के आ, दहेज मांग रहा था। शादी 4 साल शादी को हुआ था, 4 साल शादी को हुआ था, 2016 में शादी हुआ था, मई के महीने में। तो ना मई के महीने में शादी हुआ था, जब से ही पैसा मांग रहा था लेकिन हम नहीं दे पाए। बीच में लॉकडाउन लग गया था, हम लोग खुद भूख दुख मर रहे थे, कहाँ से देते पैसा। उसने धमकी भी दिया था कि इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन हम सोचे कि कहाँ से दे, मेरे पास 10,000-20,000 की तो बात थी नहीं, 4 लाख की बात थी, मैं कहाँ से देती। इसलिए मैं नहीं दे पाई, मेरी बेटी को टॉर्चर करके सब मार दिया। अब बस इंसाफ दिला दीजिए मेरी बच्ची को, जैसा ऐसा बच्चे को इंसाफ दिला। जैसा कि आपने देखा उनके परिवार वालों यानी कि उनके सबनम खातून की माँ ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बातों बातों में सारी बातें जाहिर की कि प्रशासन ने किस कदर उनकी मदद नहीं की और 6 महीने होने के बाद भी अभी तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी का हत्या उनके परिवार वालों ने दहेज के कारण किया है, क्योंकि दहेज के लिए वो उन्हें कॉल कर धमकी दिया करते थे। अक्सर उनकी बेटी से उनके पति शौकत अली द्वारा पैसे की मांग की जाती थी और मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी, और मामला आगे इतना आगे बढ़ गया कि इस नतीजे पर वो लोग पहुंच गए कि उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। और हत्या के बाद जब उनके मायके वालों ने प्रशासन में पुलिस में मामला दर्ज कराई तो दर्ज कराने के 6 महीने होने चले, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी प्रशासन से और लोगों से ये मांग है, उन्होंने ये गुजारिश की है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो जिन लोगों ने उनकी हत्या की उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसे सभी को इंसाफ मिलता है, उनकी बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।